स्टूडेंट, अब हम अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताया था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कितने हिस्से होते हैं, और अब इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम जो भी इनऑर्गेनिक का और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं इनकी नेमिंग क्या है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले देखें, याद रखें, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको कंपाउंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास कोई भी कंपाउंड हो तो यार इसका सिंपल सा रूल ये है कि सबसे पहला वाला हिस्सा, अब इसके देखें मैंने आपको बताया था इसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। कोई भी आपके पास लिगेंड होगा, कोई भी आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, उसके हमेशा दो हिस्से होंगे। तो सबसे पहले याद रखें जो पहला वाला हिस्सा होता है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला हिस्सा वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है NaCl, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आपका जीरो है, लेकिन जो इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक आपके पास मेटल है, एक आपके पास नॉन मेटल है, पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे वाले पे आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमेशा याद रखें जब भी आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नेम लिखेंगे तो उसमें याद रखें हमेशा कंपाउंड के दो हिस्से होंगे, एक सबसे पहला पार्ट वो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा और जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा आपके पास क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। अब सबसे पहले देखिए, तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैटाइन और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन। तो सबसे पहला रूल याद रखें, जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो आपने लिखना है वो क्या लिखना है, वो सबसे पहले आपने पॉजिटिव पार्ट को लिखना है। जैसे आप ये देखें ये कंपाउंड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, अब इस कंपाउंड में देखें इसके भी दो हिस्से हैं, ये आपका एक तो स्फीयर वाला हिस्सा और दूसरा स्फीयर के बाहर वाला हिस्सा। अब देखें स्फीयर वाला हिस्सा अलग है और एक स्फीयर के बाहर वाला हिस्सा है। जो बाहर वाला हिस्सा है तो याद रखें इसका चार्ज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और इस पे चार्ज क्या होगा, आपका नेगेटिव। अब जब आप नाम लिखने के लिए जाएंगे तो जैसे ही आप नाम लिखेंगे तो देखें इसके अंदर पहला हिस्सा पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। अब देखें बाकी का जो नेम लिखा हुआ है, इसके जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप बाकी का नाम भी लिखते रहेंगे। इसी तरह से आप सेकंड में देखें, इसके भी आपको देखें दो हिस्से नज़र आ रहे हैं और इसके यहाँ देखें इसका भी ये हिस्सा है। तो अब देखें पहले पार्ट में आपको नज़र आ रहा है सोडियम, अब देखें सोडियम क्योंकि पहला हिस्सा है जो आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है, तो इधर आपको नज़र आएगा कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सोडियम। तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि रूल के अंदर कैटायनिक स्पीशीज आर नेम बिफोर एनायनिक स्पीशी, जब भी पॉजिटिव वाला हिस्सा उसका नाम पहले आएगा और नेगेटिव वाले हिस्से का बाद में आएगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कोई कंपाउंड आपको दिया गया है उस कंपाउंड के अंदर जो दो हिस्से हैं, दो हिस्से में जो पहले है वो पॉजिटिव है, जो बाद में है वो आपका नेगेटिव है। अब इसके बाद सेकंड है, अब यहां पर देखिए यहां आपको नजर आ रहा है, अब इसमें देखें आप सेकंड रूल इसका ये है, लिगेंड्स हुज नेम एंड इन आईडीई यूजुअली हैव दिस सफिक्स चेंज टू ओ, मतलब अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो स्फीयर के अंदर मौजूद है जैसे क्लोराइड, अब देखें इसके आखिर में नीचे में आईडीई आ रहा है, इसके आखिर में आईडीई आ रहा है, इसके आखिर में आईडीई आ रहा है, इसके आखिर में आईडी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसके आईडीई को हटा के और ओ लगा देना है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें, आप यहाँ देखें इस कंपाउंड के अंदर देखें, अब पहला रूल जो हम पढ़ के आए थे वो क्या पढ़ के आए थे कि जो पहला हिस्सा है वो आपने हमेशा लिखना है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैटाइन का नाम पहले होता है तो हमने यहाँ पर लिखा पोटेशियम। इसके बाद देखें यहाँ आपको 6 Cl6 नजर आ रहा है, तो अब देखें Cl है, Cl का मतलब को हम कहते हैं क्लोराइड। अब ये क्योंकि स्फीयर के अंदर मौजूद है तो याद रखें अगर ये स्फीयर के अंदर मौजूद है तब आपने क्या करना है, इस IDE को हटाना है और IDE को हटा के क्या लगा देना है, O लगा देना, ये सिंपल सा रूल है। अब आप आइए रूल नंबर, सेम रूल है, अब इसमें देखें ऐसे कंपाउंड जिनके आखिर में क्या आ रहा हो, IDE आ रहा हो या ATE आ रहा हो, तो उसके आखिर में भी आपने क्या लगाना है, O लगाना है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये कार्बोनेट है CO3, तो कार्बोनेट है तो अब आपने क्या लगाना है, इसको हटा के O लगा देना है तो ये बन जाएगा कार्बोनेट O। इसी तरह से थायोसल्फेट है, इसको आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा थायोसल्फेट O। ये थायोसाइनाइड है, इसका O हटाएंगे तो ये बन जाएगा थायोसाइनाइड O। इस तरह से ऑक्सिलेट है, जब ऑक्सिलेट को आप हटाएंगे तो बन जाएगा ऑक्सिलेट O। ये नाइट्राइट है, जब आप O हटाएंगे E हटाएंगे तो लगा देंगे यहाँ पर O। तो सिंपल सा रूल क्या है, जब भी आपके पास क्या हो, आईडीई हो, आईटीई हो,
या ए टी ई ओ, तो आपने क्या करना है उसको हटा के, ई को हटा के आपने क्या ऐड कर देना, ओ ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब यहां पर देखिए, अब देखें, अब हमारे पास आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से हैं, एक कॉम्प्लेक्स का स्फेयर वाला हिस्सा और एक स्फेयर के बाहर वाला हिस्सा। अब यहां पर देखें स्फेयर के अंदर जो भी आपके पास आता है उसको आप लिगेंड कहते हैं। अब देखें यहां पर जो लिगेंड की तादाद मेंशन है, देखें जब लिगेंड की तादाद आपके पास मेंशन है तो लिगेंड की तादाद के अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहां पे 4 है, यहां पर आपका 6 है, यहां आपके पास 4 है, यहां आपके पास 6 है, यहां आपके पास 2 है। तो यहां देखें सिंपल सा रूल है कि जब भी आपके पास लिगेंड होंगे तो आपने क्या करना है उनके प्रीफिक्स डाई के साथ, जो अगर 2 है तो उनके आगे डाई लगा देना है, 3 है तो ट्राई लगा देना है, 4 है तो टेट्रा लगा देना है, 5 है तो पेंटा लगा देना है, 6 है तो हेक्सा लगा देना है। अब इस तमाम कंपाउंड के नेम में देख लें। अब देखें इसमें जो रूल बताया था मैंने आपको कि देखें पहला हिस्सा पॉजिटिव, तो यहां देखें आपको पोटेशियम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखें यहां पर 6 Cl है, 6 Cl का मतलब यहां पर हेक्सा क्लोरो। अब पहला वाला रूल वही अप्लाई होगा कि ये Cl है, स्फीयर के अंदर है, क्लोराइड है, क्लोराइड कहते हैं, तो स्फीयर के अंदर आया है तो हम इसके आईडी को हटा के यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, ओ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो, ठीक है। ये यहाँ तक का मैंने रूल आपको बता दिया, बाकी जो भी होगा जैसे जैसे रूल आते जाएंगे तो पूरा कंपाउंड आपको लिखना आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखें Cl2 है तो यहाँ जाहिर से पता 2 है तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि डाई क्लोरो, ये देखें डाई क्लोरो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और डाई क्लोरो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ देखें 4 है तो यहाँ आपको लिखा आ रहा है बेटा टेट्रा अमाइन, यहाँ भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से ये 6 है तो 6 में देख लें क्या है आपके पास, हेक्सा नाइट्रो। तो रूल सिंपल सा ये है कि जब भी आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो तो आपने क्या करना है उसकी जगह डाई ट्राई पेंटा और 6 है तो हेक्सा उसके अंदर आप लगा देना। इसके बाद देखें, अब देखें इसको दो तरीके से आमतौर पर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ तो ये कह देते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके साथ, और कुछ ये कह देते हैं कि अगर डबल एक कंपाउंड जो दो दफ़ा आया, जैसे मिसाल के तौर पर पहले तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के तरीके से। आपको पता है वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन आता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो आप सिर्फ अभी इस तरह क्लासिफिकेशन करें जिनके अंदर इनऑर्गेनिक हों, इनऑर्गेनिक लिगेंड हो, तो इनऑर्गेनिक लिगेंड में तो आपने डाय ट्राई पेंटा टेट्रा करके यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो कोई ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाए, ऑर्गेनिक लिगेंड मीन जिनके अंदर क्या मौजूद हो, कार्बन मौजूद हो, तो उनके लिए आपने क्या करना है, 2 के लिए बिस का वर्ड यूज़ करना है, 3 के लिए ट्रेस का वर्ड यूज़ करना है, 4 के लिए टेट्रा किस का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब देखें इथिलीन डायमाइन, अब डायमाइन के बारे में, इथिलीन के बारे में पता है कि ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर जो है वो कार्बन मौजूद होता है, तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि 3 है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ट्रेस का वर्ड हमने यूज़ किया। देखिए यहाँ हमने ट्राई का वर्ड यूज़ नहीं किया, ट्राई जब यूज़ करते जब हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक लिगेंड होता, और ट्रेस जब यूज़ किया जब हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड है। इसको एक तरीके का समझने का तरीका तो यही है, तो आप एक ही तरीके से समझें ताकि आपके जहन में रहे इनऑर्गेनिक लिगेंड और ऑर्गेनिक लिगेंड। इनऑर्गेनिक लिगेंड होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, डाय ट्राय टेट्रा पेंटा और हेक्सा यूज़ करना है, और अगर ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक के लिए आपने बेस ट्रेस और टेट्रा किसको यूज़ करना है। इसके बाद सेकंड रूल देखें, अच्छा इसमें देखें, अब हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि वो कंपाउंड में वो हिस्सा जो पॉजिटिव है उसका नाम आपने पहले देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इससे पहला वाला जो कंपाउंड था उसमें जैसे ये कंपाउंड था K4Fe CN6, अब देखें इस कंपाउंड में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका ये पहला हिस्सा है ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। लेकिन अब इस कंपाउंड में देखें, आप इस कंपाउंड में आपको नजर आएगा, देखें ये जो स्फीयर वाला हिस्सा है, स्फीयर वाला हिस्सा पहले है, इसका मतलब स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और स्फीयर के जो दूसरा हिस्सा है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्फीयर हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो हमारे पास क्या हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये याद रखें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस कंपाउंड को नाम लिखने के लिए जाएंगे, इस कंपाउंड का नेम लिखने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले जो हम नाम लिखेंगे वो लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट का। अब जब हम पॉजिटिव पार्ट को नाम लिखने के लिए जा रहे हैं तो अब देखें पॉजिटिव पार्ट के अंदर 3 आपके पास चीज़ें नजर आ रही हैं, ये आपके पास एक आपके पास मेटल है, एक आपके पास अमोनिया है, ये आपके पास क्या है, आपके पास Cl2। अब सवाल ये है कि इनमें आपने किसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले याद रखें कि जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं
लिगेंड्स होते हैं, तो एक तो लिगेंड्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं इसके, एक आपके पास होता है बेटा लिगेंड और एक आपके पास होता है लिगेंड और एक आपके पास होता है मेटल। तो याद रखें आपने क्या करना है, लिगेंड वालों को आपने पहले नाम लिखना है, ठीक है। अब देखें जब लिगेंड को पहले नाम देंगे तो सबसे पहले याद रखें कि अब लिगेंड हमारे पास जो है वो दो किस्म के लिगेंड्स हैं, ये हमारे पास जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है NH3 और ये हमारे पास जो है वो आपके पास एनायनिक लिगेंड है। न्यूट्रल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और एनायनिक वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसकी एक पूरी लिस्ट है अब स्लाइड के अंदर मैं आगे शो करूंगा, वो तमाम कंपाउंड जिनके ऊपर न्यूट्रल हैं वो मैंने एक लिस्ट एक साथ बता दी है। आप मालूम करना चाहते हैं कि ये कौन सा है तो लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा आपके पास एनायनिक है। तो सबसे पहले याद रखें कि जब आप कंपाउंड का नेम लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप पॉजिटिव हिस्से का नाम लिखेंगे फिर नेगेटिव का लिखेंगे। अब पॉजिटिव हिस्से में देखें तीन चीज़ें आ चुकी हैं, एक आपके पास मेटल है, एक बाकी हिस्से लिगेंड के। अब जब आप लिगेंड की तरफ गए तो लिगेंड में भी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें भी दो मॉलिक्यूल हैं, एक न्यूट्रल है और आपके पास एनायनिक है। तो सबसे पहले याद रखें हमेशा हमने क्या करना है कि जो नेगेटिव वाले हैं उनको आपने क्या कर देना है, पहले लिख देना है। अब देखें यहाँ पर न्यूट्रल भी है नेगेटिव भी है, तो यहाँ जो नाम लिखा है वो सबसे पहले किसका लिखा है, नेगेटिव वाले का नाम लिखा है। अब देखें यहाँ आपको दो हैं, वही रूल डायक्लोरो आपको नज़र आ रहा है, ये डायक्लोरो है। इसके बाद देखें ये चार हैं, तो ये चार है, तो इसके बाद आपको नज़र आ रहा है टेट्रा अमाइन। तो ये रूल याद रखें कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि अमंग द लिगेंड एनायनिक लिगेंड्स आर रिटर्न फर्स्ट। सबसे पहले आपने एनायनिक लिगेंड को लिखना है फॉलोड बाय न्यूट्रल लिगेंड, उसके बाद आपने न्यूट्रल लिगेंड को लिखना है। इसके बाद अब आ जाएं अच्छा अब सबसे पहले देखें अब ये नेक्स्ट रूल आ जाए। अब देखें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो किस्म के हैं, एक आपके पास पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है। ये रूल अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे पास जो भी स्फीयर हैं वो दो किस्म के हैं, पहला किस्म का जो स्फीयर है वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है और दूसरा आपके पास जो है वो नेगेटिव स्फीयर है। अब हमेशा याद रखें अगर हमारे पास स्फीयर न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो मेटल का नाम है, मेटल का नाम यहाँ पे कोबाल्ट है, तो यहाँ देखें सिंपल सा हमने क्या लिख देना है, कोबाल्ट लिख देना है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या लिख देना है, कोबाल्ट लिख देना है। यहाँ देखें इसमें देखें ये आपके पास पॉजिटिव है और ये देखें आपके पास नेगेटिव है। अब इस देखें नेगेटिव में देखें, अब देखें ये आपके पास आ गया नेगेटिव। अब देखें जब नेगेटिव आया है तो हमने एज इट इज कोबाल्ट लिखा है, इसको हमने लिखा है कोबाल्टेड, ठीक है। इसको इस चीज़ को ज़रा गौर से देख लें। अब देखें ये आपके पास है पॉजिटिव, ये पहले ही मेंशन है, तो अब देखें जब हमने इसका नाम लिखा है मेटल का तो मेटल के नाम लिखने में हमने सिंपल सा क्या लिखा है, सिल्वर लिखा है। तो सिंपल सा याद रखें, पहला रूल याद रखें इसका, जब भी आपके पास स्फीयर अगर आपका पॉजिटिव है या आपके पास न्यूट्रल है तो आपका जो भी मेटल है उस मेटल का नाम एज इट इज लिख देना है। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देना है, सिल्वर है सिल्वर लिख देना है, आयरन है आयरन लिख देना है, जो भी नाम है एज इट इज आपने नाम लिख देना है। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो कि अगर आपके पास क्या हो एनायनिक लिगेंड आ जाए, सॉरी एनायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक स्फीयर आ जाए, तो याद रखें जब भी एनायनिक स्फीयर आएगा तो एनायनिक स्फीयर में आपने क्या करना है कि अगर एल्युमिनियम है तो आपने उसको Ag का ऐड कर देना है, क्रोमियम है तो आखिर में आपने क्या ऐड कर देना है, Ag ऐड कर देना है। इसी तरह से मैगनीज है तो मैगनेट कर देना है, निकिल है निकिलेट कर देना है, कोबाल्ट है कोबाल्टेट कर देना है। तो ये रूल आपको मैंने बता दिया। अब देखें इसको दोबारा मैं एकदम बता देता हूँ, हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो किस्म के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारे पास पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो जो भी एलिमेंट का मेटल का नेम है वो एज इट इज आएगा, यानी अगर हमारे पास पॉजिटिव होता या न्यूट्रल होता तो अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम लिखोगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिखोगे, मैगनीज है तो मैगनीज लिखोगे, निकिल है तो निकिल लिखोगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखोगे। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में आपने क्या कर देना है, 8 को ऐड कर देना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये नेगेटिव देखिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखें निकिल है तो हम इसको निकिल नहीं लिखेंगे, निकिल 8 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है, अब कोबाल्ट ही लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, कोबाल्ट 8 लिखेंगे। इसके बाद देखिए अब ये देखें आपके पास जैसे आयरन है, अब देखें नेगेटिव है, अब नेगेटिव में देखें अगर हमारे पास
पॉजिटिव होता तो डायरेक्ट हम इसको आयरन ही लिख देते, ठीक है। कॉपर होता कॉपर लिख देते, लेड होता लेड लिख देते, सिल्वर होता सिल्वर लिख देते, गोल्ड होता गोल्ड लिख देते, टिन होता टिन लिख देते। लेकिन अगर आपके पास क्या क्या नेगेटिव आ गया तो आपने क्या लिखना है, इसको फेरेट लिखना है, इसको आपने क्यूप्रेट लिखना है, इसको प्लम्बेट लिखना है, इसको अर्जेंटेट लिखना है, इसको ऑरेट लिखना है और इसको स्टेंटेट लिखना है। अब इसमें याद रखें कि ये वो खास नेम्स हैं नेगेटिव के लिए जो आपने यूज़ करने हैं। अब दोनों लिस्ट में आप देख लें, दोनों पहली वाली लिस्ट को देखें, अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो आपने इसको लिख देना है। लेकिन अगर क्या हो चार्ज आ जाए आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या कर देना है, एट को ऐड कर देना है। इसी तरह से इसमें देख लें कि अगर आपके पास पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो आपने एज इट इज लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो नेगेटिव हो तो फिर आपने क्या लिख देना है, फेरेट लिख देना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम देख लें, आखिरी चीज देख लें ये, इसको मैं अब आपको बता दूं। अब हम काफ़ी रूल पढ़ चुके हैं, अब जब रूल हम नॉमन क्लेचर्स को लिखेंगे तब ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जहन में बैठना शुरू होंगे। और आखिरी चीज़ देखें, जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम होता है उसकी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या करनी होती है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में आपने आखिर में ले जाकर लिया। जैसे कोबाल्ट है, इसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर पॉजिटिव 3 है, वहाँ देखें कोबाल्ट है यहाँ पर पॉजिटिव 3 है, इस तरह कॉपर है यहाँ पर देखें कॉपर की 2 है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ गई है। ये रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में आखिर में लिख देना। अब देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था लिगेंड की टाइप्स मैंने बताई थी, तो सबसे पहले देखें लिगेंड आपके पास 3 किस्म के होते हैं। एक आपके पास नेगेटिव लिगेंड जैसे BR है, तो अब देखें इसके आपने क्या लिखना है, ब्रोमो लिखना है। फ्लोराइड है, जब आप नेम लिखोगे तो इसको फ्लोरो लिखेंगे। ऑक्सो है, O2 है तो ऑक्सो लिखेंगे। हाइड्रोक्सो है, इसको साइनो है। नाइट्राइटो है, थायोसाइनेटो है, नाइट्रेटो है, ये लिस्ट है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तो फिर आपको जो है ये जब भी आपको ये लिगेंड आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव लिगेंड कौन से हैं और न्यूट्रल कौन से हैं। और देखिए इनके चार्ज भी हमें याद रखें, इनके चार्ज इस पर -1 है -1 है -2 है -1 है -1 है -1 है, इस पर भी -1 है, इस पर भी -1 है। अब इसके बाद देखें ये भी एनायनिक लिगेंड है, ऑक्सलेट। इसके बाद देखें ये आपके पास कार्बोनेटो है, इसके बाद देखें ये सल्फेटो है, और इसके बाद देखें ये हमारे पास थायो सल्फेटो है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखें इसकी ऑक्सीजन स्टेट याद रखिएगा, इसकी -2 है, इसकी -2 है, इसकी -2 है, और इसकी भी क्या है -2 है। इसके बाद नेक्स्ट आया न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपकी 0 होगी, जैसे अमोनिया में आपको नजर आ रहा है जब भी आप इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ इसके ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। वाटर है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और इनके नेम ही बता दिए, जब आप न्यूट्रल लिगेंड को नाम लिखने के लिए जाएंगे तो अमोनिया नहीं लिखेंगे, इसको अमाइन लिखेंगे। वाटर है तो इसको क्या लिखेंगे आप, एक्वा लिखेंगे। NO है, इसको आप नाइट्रोसिल लिखेंगे। CO है, इसको कार्बन लिखेंगे। और ये सारे के सारे लिगेंड मैंने आपको अरेंज करके दे दिए हैं। तो जब भी कंपाउंड आए तो सबसे पहले जब आपको लिगेंड को मालूम करना हो कौन सा लिगेंड कौन सा है, तो सबसे पहले आप इस चार्ट की तरफ आएंगे। इस चार्ट को देखने के बाद आप लिगेंड का पता लगा लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी आपको पता होना चाहिए, तो मैंने इनको मेंशन कर दिए। तो न्यूट्रल लिगेंड पे कोई नहीं होता तो आपने हमेशा इसका क्या लेना है, 0 लेना है। अब सर पॉज करते हैं।